अच्छा, हाउ टू ड्रा दी ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन की ग्राफ को हम किस तरह ड्रा करते हैं, या जो हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन होल क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल्स टू जीरो, ये हमारे पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन के हम ग्राफ को ड्रा करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेता हूँ पुट एक्स इक्वल्स टू वन, इसमें हम एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे और दूसरी वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो आ जाएगा यहाँ से एक्स की जगह वन स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वन होल क्यूब माइनस, ये आ जाएगा एक्स की जगह वन पावर टू और वाई क्यूब इक्वल्स टू ज़ीरो, एम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा वन वाई स्क्वेयर माइनस वन माइनस वन एंड टू वाई पावर थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो, एम्प्लाइज दैट ये बन जाएगा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इसके पावर थ्री, तो वाई पावर टू होल पावर थ्री माइनस वाई पावर थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड वाई इस टू को इस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करके ये सिक्स बन जाएगा और वाई पावर थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो, एम्प्लाइज दैट यहाँ से वाई पावर थ्री को मैं कॉमन करता हूँ, यहाँ पे भी वाई पावर थ्री है और ये भी, तो आ जाएगा वाई पावर थ्री माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर ए और बी दोनों उसका प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इट्स मीन दैट ए इक्वल्स टू ज़ीरो या बी इक्वल्स टू ज़ीरो और दोनों भी ज़ीरो हो सके। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वाई क्यूब इक्वल्स टू ज़ीरो या वाई पावर थ्री माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी यहाँ से इस चीज़ को मैं छोड़ता हूँ और इसको मैं आगे लेके जाता हूँ, वाई पावर वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ से मैंने वाई की वैल्यू। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन दे दी तो वाई की वैल्यू आ गई, तो ये आ गया एक्स और वाई इज इक्वल्स टू, ये एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू, तो ये हमारे पास आ गया एक ऑर्डर पेयर। सिमिलरली अभी मैं यहाँ से पुट करना चाहता हूँ, पुट एक्स इक्वल्स टू अगेन पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, इसी इक्वेशन में मैं माइनस वन पुट करना चाहता हूँ, तो माइनस वन स्क्वेयर आ जाएगा और प्लस वाई स्क्वेयर बन जाएगा और माइनस वन होल पावर थ्री आ जाएगा माइनस माइनस वन पावर टू एंड टू वाई पावर थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा माइनस वन पावर टू, ये प्लस वन हो जाएगा और प्लस वाई पावर टू माइनस वन होल पावर थ्री माइनस, ये भी इसी तरह वन बन जाएगा स्क्वायर की वजह से और वाई पावर थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो, ये कैंसिल करेंगे वाई पावर टू होल पावर थ्री माइनस वाई पावर थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो, वाई पावर सिक्स माइनस वाई पावर थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। सिमिलरली जिस तरह इधर भी था तो सेम टू सेम वाई पावर थ्री माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ से वाई पावर थ्री को कॉमन किया, यहाँ से वाई पावर थ्री को कॉमन किया, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वाई पावर सिक्स आ जाएगा और यहाँ से, तो ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी आप यूज़ करें, वाई पावर थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो या वाई पावर थ्री माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, एम्प्लाई दैट यहाँ से आ जाएगा वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसको मैं जोड़ता हूँ और यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई। अच्छा, जब हमने एक्स इक्वल्स टू माइनस वन पुट किया तो वाई आ गया हमारे पास ज़ीरो, तो एक्स वाई ये बन गया आर्डर पेयर, माइनस वन पे वैल्यू आ गई ज़ीरो, तो ये एक और आर्डर पेयर आ गया। अच्छा, यहाँ से अभी अगर हम पुट करें एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा
अच्छा अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो पुट x इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें तो ये बन जाएगा 0 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस 1 होल पावर 3 माइनस ये आ जाएगा 0 स्क्वायर एंड 2y पावर 3 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस y स्क्वायर माइनस 1 माइनस 0 टाइम्स y 3 इक्वल्स टू 0 एम्प्लाइज दैट y स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 3 ये 0 y क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 बन जाएगा एम्प्लाइज दैट y पावर 2 माइनस 1 होल पावर 3 इक्वल्स टू 0। अभी अगर इस 3 को हम ख़त्म करेंगे तो y पावर 2 माइनस 1 होल पावर 3 इसके पावर में हम 1 ओवर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलरली 0 पावर 1 पावर 3 आ जाएगा एम्प्लाइज दैट y पावर 2 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू ये बन जाएगा 0। फिर एम्प्लाइज दैट y पावर 2 इक्वल टू इस 1 को शिफ्ट करेंगे और फिर इसके ऊपर अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 आ जाएगा कैंसिल होगा कि y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अभी यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पे y मिल गया प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 के साथ पॉजिटिव 1 लगे और एक्स वाई फिर एक्स 0 के साथ आप माइनस 1 लगा सकते हैं 0 के साथ माइनस 1। अच्छा अभी ये हमारे पास चार रिजल्ट्स आ गए, ये वाला आर्डर पेयर यहाँ से आर्डर पेयर, ये आर्डर पेयर और ये आर्डर पेयर। अभी इस आर्डर पेयर को हम किस तरह ड्रा करेंगे तो इसकी ग्राफ आ जाएगी इस तरह। अगर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव। अच्छा यहाँ से 1 0 एक्स इक्वल्स टू 1, यहाँ से यहाँ तक मैंने 1 ले लिया, ये आ जाएगा माइनस 1, वाई की वैल्यू ये पॉजिटिव 1 और ये वाई की नेगेटिव 1, यहाँ पे वाई पॉजिटिव होगा, यहाँ पे वाई नेगेटिव होगा, ये एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव। अच्छा अभी 1 पे हम लेंगे 0, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 1 ये हमारे पास ओरिजिन है, x 1 और y 0। x 1 का मतलब ये है कि हम राइट साइड पे चले जाएंगे और y 0 का मतलब ये है कि इससे न ऊपर जाएंगे और न नीचे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और 0, एक पॉइंट ये आ गया। फिर माइनस 1 0, माइनस 1 का मतलब ये है कि एक्स एक्सेस पे हम लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, कहाँ तक माइनस 1 तक। फिर माइनस 1 0, तो 0 का मतलब ये है कि इस एक्सेस से नीचे भी नहीं आएंगे ऊपर भी नहीं जाएंगे, तो ये हमारे पास माइनस 1 0 आ गया। एंड देन 0 पे 1, तो 0 का मतलब ये है कि इससे हम ना राइट पे जाएंगे ना लेफ्ट पे, यहाँ पे भी इस तरह है। तो ये हमारे पास है कि इस पे एक्स की वैल्यू 0 है क्योंकि ना हम राइट पे गए हैं और ना लेफ्ट पे, और दूसरी बात ये है कि इस पे वाई की वैल्यू 1 है। तो ये हमारे पास आ गया 0 और 1। एंड देन 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 का मतलब ये है कि इस एक्स से ना हम राइट पे जाएंगे ना लेफ्ट पे, मतलब एक्स की वैल्यू 0 है तो ना एक्स पॉजिटिव साइड पे जाएंगे ना एक्स नेगेटिव पे, और y की वैल्यू माइनस 1 है तो ओरिजिन से हम माइनस 1 तक आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया 0 और माइनस 1। अभी इसको क्या करना है, इसको प्लॉट करना है, तो हाउ टू प्लॉट दिस, अभी इसको हम किस तरह प्लॉट कर सकते हैं। तो हम ये सारे पॉइंट्स आपस में
मिलाएंगे तो ये हमें देगा इस तरह एक ग्राम। तो ये है हमारे पास ये है, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन होल पावर थ्री माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल्स टू जीरो। ये एक फंक्शन है, हाउ टू ड्रा द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ये फंक्शन है और इसके लिए हमने ये सारे पॉइंट्स फाइंड आउट किए यानी आर्डर फेयर्स। जब आर्डर फेयर्स को हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे प्लॉट किए और ये हमने ग्राफ बनाया।